जैन प्यारे मित्रों, झारखंड सचिवालय जैसे सी स्टेगनोग्राफर ऑनलाइन 2024 की बात करने वाले हैं। ये जॉब ऐसी है जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास हैं, जो ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं और जो जिनका एकदम मतलब कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है, जो कंप्यूटर कर रखे हैं, कंप्यूटर में कोई भी कोर्स हो मतलब ADCA वगैरह कुछ भी अगर कर रखे हैं, उसमें अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है, उनके लिए जॉब बहुत बेस्ट है। और ये जॉब जो है ना सचिवालय की तरफ से जो निकल के आए हैं, और ये जॉब बहुत बेस्ट है क्योंकि आपके इसमें जॉब जो लगने वाले हैं वो सचिवालय में लगने वाले हैं। सचिवालय मतलब जहाँ पे मतलब मंत्री वगैरह मुख्यमंत्री वगैरह जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे आपको ये जॉब होंगे, और वर्क भी आपके वहीं पे होंगे, काम भी वहीं होंगे। काम क्या है, आराम से कंप्यूटर पर बैठ कर और सारा चीज़ आपको मतलब कंप्यूटर पर ही करना है, ये आपको काम है। तो सबसे पहले आपको बता दें ये जॉब उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और जो कंप्यूटर कर रखे हैं, कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कर रखे हैं चलेगा, लेकिन उसमें से आपको टाइप आना चाहिए और हिंदी में आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आपके लिए ये जॉब है, आप इसमें कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, ये तो निकल कर आया है झारखंड के तरफ से, झारखंड सचिवालय है JSSC के तरफ से, लेकिन इसमें अप्लाई ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसकी अप्लाई डेट जो है ना वो 6-9 से स्टार्ट होने वाला है, 6 तारीख 9 महीना से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट इसका मतलब 5-10 तक इसका लास्ट डेट है इसकी फॉर्म, तो आराम से इसमें भर सकते हैं। इसकी थोड़ा बात करते हैं कि इसकी फॉर्म फिलअप में कितने फ़ी लगने वाले हैं, तो जनरल OBC EWS के 100 रुपये लगेंगे, SC ST अदर कैटेगरी से हैं उनको 50 रुपये लगेंगे। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मतलब कि ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद चाहे उसमें कोई भी ऊपर के कोर्स कर रखे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ BSc कर रखे हैं उन्हीं लोग, नहीं, उसमें आप आर्ट्स वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, कोई भी स्ट्रीम से किए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल, खास करके अगर लड़की भी भर सकती है तो लड़की के लिए बेस्ट है, अगर उसमें टाइपिंग वगैरह उनके लिए है तो, क्योंकि इसमें भाग दौड़ का नहीं है, आराम से सचिवालय में ऑफिस में मान लीजिए ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस में बैठ के मतलब गवर्नमेंट है, सरकारी है, ऑफिस में आपको जॉब इसमें मिलने वाले हैं। जॉब लोकेशन की इसमें क्या बात है कि आपको झारखंड में जहाँ पे आपको सचिवालय मुख्यमंत्री वगैरह सारा चीज़ बैठते हैं वहीं पर आपको लगने वाले हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है ना मिनिमम जो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष नहीं दोस्त, क्योंकि 18 वर्ष में आप ग्रेजुएशन कर ही नहीं सकते हैं, कम से कम आपका मिनिमम कितना है 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है ना वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग थोड़ा सा इसमें मापदंड दिया गया है, जैसे BC 2 है तो उसमें 37 तक आप भर सकते हैं, और SC ST वाले को 40 तक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 40 तक है, मतलब फीमेल लोग इसमें भर सकते हैं 40 तक, अगर आपका एज है तो कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो, क्योंकि इसमें स्किल का खेल है दोस्त, पहली चीज़ बता दें, ये नहीं कि 8वां 9वां 10वां किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, नहीं। दूसरी चीज़ इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाले हैं, कम क्यों रहने वाले हैं, एक तो ग्रेजुएशन मांगा गया है, ज़्यादा कंपटीशन काचीर पर देखने के लिए मिलता है 10-12 पर, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और दूसरी चीज़ ग्रेजुएट में क्या है कि आपके स्किल खोजा गया, अगर आपके पास स्किल नहीं है ना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप इसमें नहीं भर सकते हैं, पहली चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि स्किल का खेला है, आपके पास सबसे पहले ना उसी का आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, अगर आपके है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक। इसमें बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपके मिलने वाले हैं बेसिक पे मिलेंगे 25,500 बेसिक पे होते हैं, लेवल 4 के हिसाब से मिलने वाले हैं 81,100 रुपये तक आपके सैलरी रहने वाले हैं। वही बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट जो है ना वो 455 इसके टोटल पोस्ट हैं, इसमें आप चाहे झारखंड के मूल निवासी हैं चाहे फिर अदर स्टेट से हैं कहीं से भी हैं आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। वही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की क्या है इसमें, तो सबसे पहले दोस्त होगा इसमें स्किल टेस्ट, अगर आपके पास स्किल टेस्ट नहीं है ना दोस्त मत भरिएगा, सबसे पहले आप स्किल टेस्ट ही सीख लीजिएगा। स्किल टेस्ट में आपको अगर कंप्यूटर में ना शॉर्ट हैंड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, अगर ये स्किल आपके पास है तो ठीक ठाक है, नहीं है तो सबसे पहले आप स्किल सीखिए दोस्त। फिर उसके बाद रिटेन एग्जाम का थोड़ा सिलेबस की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, यानी 4 चरणों से आप
को गुजारना होगा इसमें। समझ में आ गया? पहले होंगे स्किल टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। इसमें तो दो चीज़ में आपको घबराने की नहीं है, डॉक्यूमेंट में, मेडिकल में, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट में आपको होने चाहिए। अच्छा, स्किल टेस्ट किसके लिए होगा? जो स्टेगनोग्राफर है ना उनके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्त। इसमें स्किल टेस्ट में ना दो पेपर होंगे, और दोनों पेपर जो होगा ना, दोनों पेपर जो होगा दोस्त, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, स्किल कितना अच्छा है आपके पास। इसमें आपके रहने वाले हैं ना, ये रहने वाले हैं आपके कंप्यूटर से रहने वाले हैं दोस्त, कंप्यूटर से रहने वाले हैं। और इस कंप्यूटर में आपको सबसे पहले पेपर में जो होगा ना वो टाइपिंग होगा, और टाइपिंग में आपको एकदम सुपर फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी में भी आना चाहिए, इंग्लिश में भी। हिंदी में क्या है कि हिंदी में अगर आप सुरती लेख, हिंदी सुरती लेख अगर जानते हैं तो इसमें आपको हिंदी में टाइपिंग करना होगा। यानी इसमें 500 वर्ड को आपको 10 मिनट में कर देना होगा, 500 वर्ड को 10 मिनट में, यानी पर मिनट 50 शब्द को आपको टाइप करना होगा। पर मिनट यानी एक मिनट में आपको 50 शब्द को आपको टाइप करना, 50 वर्ड को टाइप करना होगा। अगर आपके पास है तब आप इसमें मतलब कि क्वालिफाई हो जाएगा। जब यहाँ से आप हो जाइएगा ना, तब उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम का थोड़ा सिलेबस इस प्रकार का है। रिटन एग्जाम में भी देख लीजिए, एक चीज़ बता देते हैं, खास करके उन व्यक्ति उन स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट है जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में माहिर हैं। इसमें तो आप कंप्यूटर में तो अगर आपका है तो ठीक ठाक है, उसके जो है ना नीचे जो रिटन एग्जाम में है तो इसमें आपका एक जो ऐसे क्षेत्रीय भाषा से लेकर उठाया है जो कि क्षेत्रीय भाषा में ना हिंदी और इंग्लिश को गायब कर दिया है। यानी इसमें उन बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो एकदम खोरठा, मराठी, उर्दू, चाहे फिर संस्थाली, चाहे उड़िया, चाहे मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है हिंदी और इंग्लिश को छोड़ा के बाकी जो भाषा आप जानते हैं ना झारखंड में, जैसे खोरठा, मराठी, उर्दू, जो भी हो, ठीक ना, ये सब भाषा में आप अगर बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। खास करके आदिवासी लोग हैं ना, उड़ाव वाले भाषा जानते हैं ना, तो उनके लिए और बेस्ट है, क्योंकि उड़ाव वाला भी भाषा इसमें शामिल किया गया है। नगपुरिया जानते हैं, नगपुरिया से भी दे सकते हैं, उर्दू जानते हैं, उर्दू से भी दे सकते हैं, संस्थाली जानते हैं, खोरठा जानते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन हिंदी नहीं, हिंदी वाले नहीं। यहाँ पर इसीलिए ये जो जॉब है ना वो हिंदी वाले के लिए नहीं है। हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में बोलने जानते हैं, हिंदी वाला इसमें ऑप्शन ही नहीं, हिंदी वाला है ही नहीं भाषा वाला, हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, बाकी आप अपना एक जो है ना क्षेत्रीय भाषा के लिए इसमें दिया गया है। वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर का रहेगा, इसमें आपको 30% लाने होंगे, निगेटिव 1/3 के रहेंगे। वही बात करते हैं, ये भाग में हो गया एक क्षेत्रीय भाषा, एक जो हो गया ना ये इस प्रकार की, इसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन, टोटल जो रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रिटन एग्जाम की बात करते हैं, रिटन एग्जाम में दो भाग, एक क्षेत्रीय भाषा वाला और एक जो है ना ये आपको 4 सब्जेक्ट देने होंगे। इसमें आपको 30% लाना है दोस्त, समझ में आ गया? ये अलग है, ये आपका एक एग्जाम ले लिया जाएगा, समझ में आ गया? ये आपका हो जाएंगे तब ये रिटन एग्जाम होगा, यानी इसको स्किल टेस्ट मान लो, उसके बाद ये रिटन एग्जाम मान लो। ये रिटन एग्जाम में दो पेपर होंगे, एक आपका एकदम क्षेत्रीय भाषा वाला होगा और एक आपका रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी जीके होंगे। मैथ भी इसमें नहीं है दोस्त, मैथ नहीं है, रीजनिंग पढ़ लो आराम से, रीजनिंग भी आपके एकदम आसान रहने वाले हैं। हिंदी में थोड़ा मोड़ा, हिंदी और इंग्लिश में जीके से रहेंगे, जीके से प्रश्न उठाएंगे तो झारखंड से रहेंगे, समझ में आ गया? झारखंड से उठा 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 300 मार्क्स के रहने वाले, टाइमिंग आपके पास 3 घंटा रहेगा दोस्त, और 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये दो पेपर रहेंगे आपके लिए, क्षेत्रीय भाषा वाला रहेगा और ये आपके 4 सब्जेक्ट। इसमें मैथ भी नहीं है दोस्त, मैथ के लिए इसमें झंझट नहीं है, आराम से इसमें निकाल सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम होता है इसलिए, क्योंकि एक तो कंप्यूटर बहुत स्टूडेंट नहीं किए होते हैं, दूसरी चीज कि इसमें ना ग्रेजुएशन नहीं, बहुत लोग नहीं कर रखे हैं, और ग्रेजुएशन लोग जो कर रखे हैं उनके पास कंप्यूटर नहीं कर रखे हैं, वो कंप्यूटर कर रखे हैं लेकिन उनके पास स्किल टेस्ट नहीं है, मतलब स्किल के लिए मतलब हायर नहीं है उनके लिए, उनके पास मतलब अच्छे से टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग आपका मजबूत है तभी इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये जो है जो अपना दोस्त ये उन्हीं लोग के हैं जो
अच्छे से स्किल पर काम किए हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा, बैठना नहीं है। बाकी अगर आप कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किए ना, तो पहली चीज़ बता दिए कि आप इसके लिए भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। ये रहा टोटल चीज़, बाकी इसके रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी हो ना कमेंट करना, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे, जरूर बताएंगे दोस्त। दूसरी चीज़ कि अगर आप मेरे चैनल से है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन आता है या गवर्नमेंट जॉब का कोई भी वैकेंसी आता है, कोई भी ऐसा जॉब आता है, तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं दोस्त, और रहेंगे। अभी आप किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और कौन सी जॉब के लिए आप मतलब कि ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, वो जगह हम उस जॉब के लिए भी आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।